सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के YouTube चैनल मिस्टर डीके में। जैसा कि आज की वीडियो मैंने आपको बताया था कि आज जो है सुजलोन के अंदर हमें 20% का सर्किट देखने को मिल सकता है, और सर्किट के पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैंने आपको साफ बता दिया था। आपने देखा हुआ 3 तारीख को एक न्यूज़ आई थी, एक न्यूज़ क्लिप हमें देखने को मिली कि अडानी ग्रीन ने जो ना इसके शेयर, आप देखोगे इसके जो इक्विटी है वो प्लेज हुई है 9.92% के आसपास, वो जो ना अडानी ग्रीन एनर्जी के फेवर में जाती हुई नज़र आई है। तो उन सबको लेकर जो ना देखो, जैसे ही है न्यूज़ निकल कर आई सामने कि अडानी ने इसके, अडानी जी के पास जो ना इसके 9.92% स्टेक जो ना वो चला गया है, जिसकी वजह से आप देखोगे जो पब्लिक थी उन्होंने दबाकर इसके अंदर जो ना ऑर्डर लगा दिए थे, और आप देखोगे ऑपरेटर्स ने भी जो ना दबाकर इसके अंदर माल उठाया है, जिसके वजह से हमें जो ना ये 20% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। लेकिन वो न्यूज़ ये नहीं थी, वो न्यूज़ थी कि जो 9.92% की जो स्टेक थी वो आप देखोगे प्लेज हुई है होल्डिंग, वो किसके पास गई है, SBI कैप ट्रस्टी के पास जो हमें जाती हुई नज़र आई है। तो उनके फेवर में वो होल्डिंग गई है, जिसकी बिहाव पर आप देखोगे ये 20% की हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल को लेकर, आखिर कल स्टॉक के अंदर क्या हो सकता है, क्या तेज़ी बनेगी, क्या 20% का कल भी स्टॉक ऊपर की तरफ भागती हुई नज़र आएगा, और बीच में हमें जो ना ये गिरावट क्यों देखने को मिली स्टॉक के अंदर हम जो ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम जो ना इसका एडवांस चार्ट देख लेते हैं, एडवांस चार्ट पर आखिर हमें क्या देखने को मिल रहा है और कितने लेवल जो ना हमें इसके टूटते हुए नजर आए हैं हम जो ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, इसका जो एडवांस चार्ट है इसके ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ 1 मंथ के चार्ट की, तो 1 मंथ के चार्ट पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि स्टॉक के अंदर जबरदस्त बुलिश मोड है हाल फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो ऐसे में देखो भाई 20% का इसके अंदर यूसी लग चुका है। आप देखोगे 1 मंथ की अगर मैं बात करूँ तो अपने 1 मंथ के हाई पर स्टॉक है, 3 मंथ की अगर मैं बात करूँ तो 3 मंथ के हाई पर है, और वहीं अगर मैं बात करूँ 6 मंथ की तो 6 मंथ में आप देखोगे इसका जो ऊपर का लेवल है वो हमें ये देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आप देखोगे जून का जो हाई स्टॉक ने वो तोड़ दिया है, जून के हाई को जो ना स्टॉक ने ब्रेक किया है, और ऊपर में अब आप देखोगे हमारा जो नेक्स्ट लेवल रहेगा, नेक्स्ट टारगेट रहेगा ऊपर का इसका रहेगा ये अप्रैल मंथ का जो इसने हाई लगाया था ऊपर में आप देखोगे। जी हाँ, अप्रैल मंथ में जो आप देखोगे इसने हाई लगाया था ना यहाँ पर, इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये लेवल स्टॉक हमें जो ना जल्दी ब्रेक करते हुए नज़र आएगा, जो हमें 12 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। जी हाँ, 12 रुपये के आसपास स्टॉक हमें जो ना 12 रुपये को ब्रेक करते हुए नज़र आया था इस लेवल पर, तो स्टॉक हमें जो ना कल 12 रुपये को ब्रेक करते हुए नज़र आने वाला है। जी हाँ, कल स्टॉक 12 रुपये को ब्रेक कर देगा अगर स्टॉक सस्टेन करता है 12 रुपये से ऊपर में कल। जी हाँ, अगर 12 रुपये से ऊपर में सस्टेन करता है तो फिर जो ना स्टॉक हमें अच्छी तेज़ी दिखा सकता है। अगले दिन आप देखोगे 10% की अच्छी तेज़ी बन सकती है, यानी 3 दिन के अंदर जो ना स्टॉक 20% के हमें जो ना रिटर्न निकाल कर दे सकता है, और ऊपर में फिर जो है ना उस लेवल से हमें इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल रहने वाला है कल के लिए ज़रूरी, तो इस लेवल को स्टॉक हमें जो ना कल एक ही कैंडल में तोड़ते हुए नज़र आने वाला है। जी हाँ, यहाँ से एक कैंडल में ये जो लेवल है वो ब्रेक हो जाएगा, और ऊपर में अगर स्टॉक जो ना वो सस्टेन करता है फिर अच्छी तेज़ी बनने के चांसेस रहने वाले हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।